नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही चटपटा सा पनीर पकोड़ा रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर पकोड़ा की ये रेसिपी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल आ जाए। और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। और देखिए, ये पनीर पकौड़ा जो है ये बहुत ही सॉफ्ट और चटपटा सा होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये पनीर पकौड़ा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पनीर ले लिया है, पनीर की पीसेस को देखिए बीच में से मैं इसको कट करके रखा है। और मैं पानी में पनीर को इसलिए डुबो के रखा है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश रहता है, इसलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके अंदर डालने के लिए एक चटपटा सा चटनी जैसा बनाएंगे, जिसके लिए मैं छोटा सा एक बोल ले लिया है, इसमें मैं यूज़ करूँगी। पनीर के क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना। यहाँ पे मैं 2 चम्मच की करीब टोमेटो सॉस ले रही हूँ। इससे क्या है, बहुत ही चटपटा सा लगेगा पनीर पकोड़ा। इसके साथ मैं 1 चम्मच की करीब चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप लोग रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ग्रीन चिली सॉस है, जो आप लोग के पास अवेलेबल होगा वही आप लोग यूज़ कीजिए। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। आप लोग पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कीजिए, बस और कुछ हमें नहीं डालना है। अभी देखिए, मैं एक पनीर की पीस ले लिया है, जिसको मैं बीच में से कट करके रखा है। देखिए, अभी क्या करना है, थोड़ा सा चटनी लेके इसके बीच में डालना है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। इस तरह से मैं सारे पनीर के बीच में चटनी भर लूँगी। और एक आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए बीच में मैं कट करके रखा है, इसमें थोड़ा सा चटनी भरूँगी, जो सॉस की चटनी मैं बना के रखा उसी को फिर इसको इसे रख दूँगी। इस तरह से सारी पनीर को मैं भर लूँगी। देखिए, सारे पनीर के बीच में मैंने सॉस की चटनी डाल दिया है। अभी चलिए एक बैटर तैयार करते हैं। तो चलिए अभी एक बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच की करीब बेसन लिया है। अभी इसमें मैं एक एक चीज़ मिलाती जाऊँगी। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अभी इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला और 1/2 चम्मच की करीब बेकिंग पाउडर। सारे चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए एक बैटर बना लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी क्या करना है, एक पनीर की पीस को ले लेना है, उसको बैटर में डीप करके अच्छी तरह से, फिर एक्स्ट्रा जो है निकाल के उसको तेल में डाल देना है। इस तरह से और एक मैं बैटर में डीप करके फिर जो एक्स्ट्रा है निकाल के उसको भी डाल दूंगी। गैस को हमें मीडियम हाई रखना है। अभी क्या करना है, पनीर के पीसेस को अपोजिट साइड में पलट देना है। ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। निकाल देते हैं, बाकी जो है फ्राई कर लेते हैं। देखिए, इसको अपोजिट में पलट देते हैं।
अंडा सॉस का स्वाद और बाहर बेसन के स्वाद अच्छी तरीके से पक देते हैं। एक बार जरूर घर में ट्राई कीजिए कैसे बना है चटपटा सा पनीर पकौड़ा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा बना है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए।